अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा सरपंच संघ, पोहरी जनपद सीओ पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, हटाए जाने की मांग। शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद सीओ के खिलाफ सरपंच संघ के द्वारा आज से पोहरी कस्बे में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। सरपंच संघ ने पोहरी जनपद सीओ शैलेंद्र आदिवासी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है। सरपंच संघ का कहना है कि जब तक पोहरी जनपद सीओ को नहीं हटाया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। पोहरी ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष केशव सिंह यादव ने बताया कि शैलेंद्र आदिवासी चौथी बार पोहरी जनपद सीओ बनकर पहुंचे हैं। अगर पोहरी जनपद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सीईओ को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीईओ ने जनपद में इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि अब सरपंच संघ को मजबूर होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरपंच संघ के उपाध्यक्ष संजय अवस्थी ने भी बताया कि पोहरी जनपद पंचायत की 89 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पोहरी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जब तक पोहरी जनपद सीईओ को नहीं हटाया जाएगा या उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सरपंच संघ के द्वारा सीओ के खिलाफ आपने किया है, पूरा क्या मामला है ये सर? आप सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप शुरू से हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी हमारे सपोर्ट के लिए आप आ गए, अभी तक कोई नहीं आया, कोई बात नहीं है। अभी साहब हम ये हमारी इसमें गंगा मैया है, कलश है, ये हमारा श्रीफल है। पूरे सरपंच मिल के पूरी ईमानदारी के साथ हम ये प्रण लेते हैं कि या तो पौरी जनपद से जनपद सीओ का ट्रांसफर होगा या फिर हमारे सरपंचों की भूख से और प्यास से मर के यहाँ पर लाश बिछाएंगे सर। क्योंकि हमने साहब सब जगह आवेदन दे लिए, एक नीचे से लेके ऊपर तक आप देखोगे साहब, ये आवेदन हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है 28/8/2024 को। हमारे कलेक्टर साहब का ये आदेश का कोई पालन नहीं हो पाया, उन्होंने हमारी मदद की लेकिन नहीं चल पाई। भारत सिंह कुशवा हमारे क्षेत्रीय सांसद जी, उनका भी है आदेश पीछे आप देखना, तो उनकी भी नहीं चल पाई। मतलब भगवान जाने इस सीओ साहब की कितनी बड़ी पावर है। अब तो मुझे लगता है कि सीएम साहब या मोदी जी शायद इसको यहाँ से हटा सकते हैं साहब, हमारे सीओ साहब। व्यक्तिगत कुछ नहीं साहब, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उनका साहब बिहेव ठीक नहीं है साहब, बिहेव ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि साहब बस हर जगह साहब बस सरपंचों को हीन भावना से देखना, सरपंचों को सरपंच नहीं समझना, और दूसरी बात खुद ही शिकायत करवाते हैं पंचायतों विरोधियों से और खुद ही साहब उसका जाके समाधान करवाते हैं साहब। और हर जगह पैसे की मांग, जो पैसा देता है उसका सारा काम चाहे मिट्टी है वो सोना, और जिसने पैसा नहीं दिया उसका चाहे जो सोना है लेकिन वो मिट्टी है। तो हम तो आपसे यही साथ दे रहेंगे, क्योंकि दीपावली का टाइम है, मुझे पता भाई दीवाली तो शायद नहीं मनेगी। एक आपसे बस एक आदमी का यही निवेदन है कि आप प्रशासन चाहे तो हमारे पौरी जनपद सिया को सोपर का, विजयपुर का या कहीं का भी कलेक्टर साहब बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पौरी को बचा लो सर, बस यही आपसे आज के निवेदन है। सरपंच क्यों खिलाफ है मतलब उनके साहब? इनका व्यवहार ठीक नहीं है साहब, व्यवहार ठीक नहीं है, भ्रष्टाचारी है साहब, हर जगह हर चीज़ को पैसा लगता है सर, इनको बस पैसा है तो सब कुछ, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, डबल जीरो माइनस। हम राम राम श्याम श्याम जय हिंद बोलते हैं साहब तो उसका जवाब भी नहीं देते। तो सभी सरपंचों के खिलाफ है या मतलब आप नहीं पूरे भाई सरपंच खड़े हैं? अगर मेरा व्यक्तिगत कुछ हो तो आप बताओ, व्यक्तिगत कुछ परेशान है इनसे, सारे सरपंचों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। भूखड़ तालाब के निश्चितकालीन हमारी भूखड़ गंगा मैया की कसम है, जब तक नहीं लगेंगे जब तक हम ट्रांसफर या हमारी लाश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये भ्रष्टाचार सीओ जो कुछ जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार पौरी में लगातार कर रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार जनपद सीओ को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं उनकी जांच करना चाहिए कि इनकी जो नौकरी लगी है वो किस आधार पर लगी है, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि इनकी दो दो तीन तीन समग्र आइडिया है, दस्तावेज आप देख सकते हैं, एक कार्य कलेक्टर जिला शिवपुरी का है, ये भारत सिंह कुशवाहा जी का है, और जो हमारे मंत्री जी हैं उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, और कल मेरी सीएम हाउस में बात हुई है। भ्रष्टाचारियों का विरोध हम सब लोगों को करना चाहिए। अगर इनको पंचायत की जांच करना है तो जनपद पंचायत पौरी में जितनी भी पंचायत है सबकी जांच करो, आप गिनी चुनी चिन्हित कर पंचायतें जो जांच कर रहे हो ये आप जांच नहीं कर रहे हो, ये आपको आदेश दिया जा रहा है पीछे से कि इसकी जांच कर लो। अबे रिमोट कंट्रोल हो क्या? अगर तुम पीसीएस क्वालिफाई करके आते तो तुमको नॉलेज होता, पीसीएस का मेंस मैं दिया हूं मुझे पता है, तुम्हारी भाषा से ही लग रहा है तुम पढ़े लिखे।
के कितने हो। साथियों, ऐसे भ्रष्टाचार सीओ को मैं तो कहता हूं कि आम जनता को भी सड़कों पे आना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी सीओ को यहां से बर्खास्त करने का भी हम सब लोगों को उठाना चाहिए। आज समस्त सरपंच संघ ने यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रखी है। इस भूख हड़ताल में ओबीसी महासभा में ओबीसी महासभा जनपद सीओ जो है ये लोकल के जनप्रतिनिधि कुछ सरपंचों को बुरा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन सरपंच का पेमेंट रोक देंगे तो इनका जीवन रुक जाएगा। अरे ये पहले से ही इस चीज को लेकर बैठे हैं, अगर ये ऐसे होते तो पीछे हट जाते। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में ये पीछे नहीं हटेंगे। जब तक जनपद सीओ को बर्खास्त नहीं किया जाए